नमस्कार दोस्तों, रणदीप सिंह सुरजेवाला और जब्बल गैंगस्टर के बीच जो आपसी मतभेद हुए हैं, वो रणदीप सिंह सुरजेवाला ने जो कुछ कहा है वो इस वीडियो क्लिप में है। आप ध्यान से देखें, एक भाग एक है, भाग दो में जब्बल का रिप्लाई है, आप देख सकते हो हमारे चैनल पर जाकर। तो बदमाशी एक मिनट में खत्म हो सकती है, एक दिन में खत्म हो सकती है। उसका उदाहरण याद करवाऊं, एक बार जब्बल बदमाश हमारे यूनियन का लीडर बन गया। सौरभ मंडी के सारे व्यापारी मेरे पास आए और उन्होंने कहा हम व्यापार नहीं करेंगे, हम दुकानें बंद कर देंगे, क्योंकि अगर ये आ गया गुंडा तो हमारी जिंदगियां सुरक्षित कैसे रहेंगी। मैंने उन्हें कहा इतनी हिम्मत रखिए कि मेरे साथ चलिए। मैं उनके साथ यूनियन में गया, तखत पर चढ़ गया सारे गवाह और कहा जब्बल 24 घंटे देता हूँ, अगर अपने माँ बाप का असल है तो यहाँ आ जा, तेरी खाल उतारूंगा, कोई पुलिस की जरूरत नहीं। अगर कैथल में पांव रख दिया, खाल उतार के चमड़ी उतार के हाथ में दे दिया। वो जब्बल आज तक वापिस नहीं आया इस शहर के। इस चुनाव में फोन कर रहा है बीजेपी की मदद करियो। मैंने कहा अगली बार तेरे फोन की तार भी काटूंगा, आ जा रुक जा। जब्बल बदमाश इस चुनाव में बीजेपी की वोट मांगने लग रहा है फोन कर करके, हिम्मत तो हुई नहीं आने की। पर कुछ साथियों ने मुझे बताया, परंतु यहां गुंडागर्दी को रोकेगा कौन? मैं आपसे पूछता हूं, जिस